सब्सक्राइब करें साइंस साइंस विद चैनल को और को और और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मिलते रहें मैथ्स के सुपर वीडियोस। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर क्या कहता है हम लोग अपना uh, 2016 का सॉल्व कर रहे थे जो भी आया था क्लास टेन में वो सॉल्व कर रहे थे ठीक है? 40 मीटर वर्टिकली अब एक्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप क्यू ऑफ टावर इज 45 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर पी क्यू एंड द डिस्टेंस पी एक्स सर देखिए बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे सॉल्व कर रखे हैं देखिए मैंने बताया था क्वेश्चन में आपको ना रिलेशन फाइंड करना होता है बस ऐसे क्वेश्चंस में क्या हो करना होता है रिलेशन फाइंड करना होता है दो दो चीजें पूछी है आपको साथ में पहले क्या पूछा है कि पी क्यू का हाइट बता दो ठीक है उसके बाद डिस्टेंस बता दो पॉइंट से जो जो हमारा पॉइंट है एक्स ग्राउंड पे उससे हमारा टावर का जो डिस्टेंस है वो पता कर लो ठीक है तो दो चीजें जब भी पूछी होते हैं दोनों में रिलेशन क्या है ये आपको पता करना है और साथ में देखिए दो डिग्रीज भी दिए हैं दो एंगल्स

पी एक्स है और आपको यहीं से देख के पता लग रहा होगा कि एम वाई और पी एक्स क्या है सेम है तो मैंने बताया ना कॉमन चीज अगर आप ढूंढ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा ठीक है अब साथ में आपसे पूछा क्या है यहां पे अगर ये आ, क्या बोल रहे थे आ, थीटा के सामने वाला क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर होता है थीटा का एडजेसेंट बेस होता है तो बेस और परपेंडिकुलर आपसे पूछा है यानी कि कौन सा फॉर्मुला लगेगा टेन थीटा लग जाएगा सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा ना अपना तो हम टेन थीटा लगा के इसको सॉल्व कर देंगे देखिए फ्रॉम फिगर लिखना है को पहले फ्रॉम फिगर हमेशा फ्रॉम फिगर लिखना है क्योंकि आप लोगों ने फिगर अगर सुंदर सुंदर बना दिया है उसमें अगर आपने कुछ मान लिया है तो और इसको एच मान लेते हैं ये जो हमको निकालना है ना इसको एच मान लेते हैं इसी पे पूरा खेल है अब देखिए क्यू एम Qm, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा ये वाला जो आपको गिवन है, ये 40 मीटर गिवन है ये 40 गिवन है तो ये भी 40 गिवन है ये क्या हो जाएगा एच में जब हम 40 माइनस करेंगे तो इतना सा आएगा ना सर आएगा ना इतना माइनस कर देंगे पूरे में तो आएगा बस वही यहां पर हम लोगों ने लिखा है ठीक है अब एम और वाई या एक्स दोनों क्या है सेम है वही है सर ये भी 40 है ये भी 40 है मैंने लिख ही दिया फिगर में ये आपको बता दिया सारा कुछ है ना अब इन राइट एंगल ट्राइंगल एंगल ट्राइंगल क्यू एम वाई क्यू एम वाई छोटे वाले ट्राइंगल में आपको देखना है टेन थीटा लगा दिया मैंने बताया क्यों लगाया अब नीचे में देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस बेस आपका एम वाई आया लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि कॉमन चीज हमको ढूंढनी है तो एम वाई की जगह क्या लिखेंगे पीएक्स क्योंकि एम वाई और पीएक्स दोनों सेम है तो हमारा देखिए यहाँ पे इक्वेशन निकल के आया कि टेन फोर्टी फाइव क्या होता है वन होता है यहां से इसको मिटाई दीजिए यहां से इसको दूसरा ही बना ये ठीक है ये फर्स्ट ये इसके बाद वाला स्टेप और लिख देता है बीच में आपका पहला हो गया। और साथ में देखिए आया पी एक्स क्या है सर पी एक्स ही तो आपसे पूछा है बेस ही तो आपसे पूछा है और साथ में हाइट भी है जो हमारा एच हमसे पूछा है हाइट ऑफ द टावर अब अगले में देखते हैं क्यू पी एक्स हमारा ट्राइंगल है उसमें देखिए क्या है टेन सिक्सटी डिग्री फिर से लगाएंगे क्योंकि वही है सर सेम चीज है परपेंडिकुलर बाय बेस क्यू अपॉन पी एक्स लगा दिए फिर हमारा पीएक्स का वैल्यू इस बार भी था, इस भी था अब पी क्यू पी क्यू का वैल्यू क्या है ऐसे क्वेश्चन में दो इक्वेशन क्रिएट करना है जिनका अब पी एक्स एक्स को जब आपने किया, 2, अब आपके पास क्या एच मई फोर्टी अपन एच माइनस एच अपॉन क्या हो गया था लेने, मैंने नहीं लिखा है जगह कम था स्पेस कम है, सर, स्पेस का बहुत है ठीक है इसीलिए अब यहां है सिर्फ सेवन थ्री हमको लिखने बोला है, अब आ, 1.73h में एक एच जाएगा तो 0.73h बचेगा तो 0.73h बचा इसको उधर भेजा कटाया और हमारा सॉल्व हो गया h इज इक्वल टू नाइनटी मीटर ये आया आपका H H आ चुका है तो आपको पी एक्स निकालने में क्या है सर इसमें पुट, इसमें मुश्किल हो जाएगा इसमें पुट कर दीजिए 40 माइनस कर दीजिए पी एक्स का वैल्यू वे, आ जाएगा आपका एच सॉरी एच का वैल्यू रख देते हैं ना एच हो गया आपका 94.79 फोर माइनस फोर्टी ये आ गया आपका वैल्यू इसका इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताएं ऐसी वीडियोस के लिए अच्छा सॉरी ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26 चलिए बढ़ते हैं आगे